इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड में भारत की तरफ से चीन के खिलाफ वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना को पूरे विश्व में फैलाने पर केस दर्ज किया जाएगा। इसके लिए बोस नगरी धर्मशाला के अधिवक्ता बिशप चक्षु ने केस करने के लिए कोर्ट में परमिशन को अप्लाई कर दिया है। वीरभूमि हिमाचल प्रदेश धर्मशाला के अधिवक्ता विश्व चक्षु ने नीदरलैंड कोर्ट ऑफ जस्टिस के समक्ष मामला उठाया है। कोविड-19 ने पूरे विश्व में तबाही व त्रासदी मचाई हुई है। इतना ही नहीं, देश भर में भी कोरोना के कारण बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। इसी विषय को देखते हुए धर्मशाला के एडवोकेट बिशप चक्षु ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में चाइना के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति मांगी है। नीदरलैंड से केस करने की अनुमति मिलने पर इंटरनेशनल कोर्ट में भी भारत की तरफ से चाइना के खिलाफ मामला चलेगा। बिशप चक्षु ने इंटरनेशनल कोर्ट को भेजे गए अपने पत्र में लिखा है कि चाइना ने कोरोना वायरस से पूरे विश्व को खतरे में डाल दिया। अब तक कोरोना महामारी के कारण लगभग 1 करोड़ से अधिक संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं, साथ ही 5 लाख से अधिक मौतें भी इस वायरस के कारण हो चुकी हैं। इसमें भारत की बात करें तो देश में पहला केस 30 जनवरी 2020 को आया था। अब महामारी के प्रकोप से देश में 5,30,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 16,103 की मृत्यु हो चुकी है। वहीं कोरोना महामारी लगातार विश्व सहित देश भर में बढ़ रही है और संक्रमण के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं, जिससे विश्व देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से डगमगा गई है। ऐसे हालात में बेरोजगारी, उद्योग, एजुकेशन, भूखमरी और तनाव सहित अन्य परेशानियां देश को झेलनी पड़ रही हैं। उधर एडवोकेट बिशप चक्षु ने कहा कि इन सभी विषयों के लिए चाइना जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट में चाइना के खिलाफ केस करने की परमिशन मांगी है और अगर अनुमति देते हैं तो भारत की तरफ से उनके खिलाफ केस दर्ज करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सही समय में उठाए गए कदम भी काफी हद तक कारगर सिद्ध हुए हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार को, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट व हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज दी गई है। जैसा कि आप लोग, हम लोग और पूरा विश्व जानता है कि कोविड-19, जिसको आज बच्चा बच्चा कोरोना के नाम से जानता है, ये कोरोना बीमारी से जो पूरे विश्व में जो हाहाकार मचा हुआ है और इस बीमारी के कारण पूरे विश्व में नहीं अपितु हमारा देश, हमारा प्यारा देश हिंदुस्तान की भी अर्थव्यवस्था का जो सत्यानाश हुआ है, उसके पीछे, इस कोविड-19 के पीछे जिस भयानक और खतरनाक ताकत का हाथ है, वो चाइना है। और चाइना के वुहान शहर से ये जो वायरस उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होने के बाद ये वायरस पूरे विश्व में आग की तरह फैला। और मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो WHO से हमने कलेक्ट किए, जिसके बेसिस पे मैं आपके सामने ये आंकड़े रखूंगा कि जो कन्फर्म्ड केसेस WHO के कोरोना के पूरे वर्ल्ड वाइज जो आए हैं, वो लगभग 1 करोड़ से ऊपर केसेस कोरोना के पूरे विश्व में, और लगभग 5 लाख डेथ्स, कन्फर्म डेथ्स जो हैं पूरे वर्ल्ड में हो चुकी हैं। और मैं इंडिया की बात करूंगा, भारत की बात करूंगा, भारत के में ये कोरोना का जो पहला केस रिपोर्ट हुआ था वो January 30, 2020 को हुआ था। और आज की स्थिति में लगभग 5.5 लाख कोरोना के केसेस इंडिया में हो चुके हैं और लगभग 16,000 से ऊपर कन्फर्म डेथ्स इंडिया में हो चुकी हैं। इन सारे डाटास को जब मैं, हमारी लीगल एक्सपर्ट्स की टीम ने जो कलेक्ट किया, हमने स्टडी की, तो हम धर्मशाला बार एसोसिएशन का मैं सदस्य हूँ, हमारी मेम्बरान, हमारी टीम, हमारे अध्यक्ष, जिला बार एसोसिएशन धर्मशाला के अध्यक्ष तरुण शर्मा जी मेरे साथ खड़े हैं, मेरे ऑनरेबल मेंबर्स, बड़े सीनियर मेंबर्स मेरे साथ खड़े हैं। हमने ये तय किया कि हमारी लीगल फ्रेटर्निटी को कुछ ना कुछ
इस विषय में हमारी नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है कि हमें कुछ ना कुछ चाइना के अगेंस्ट करना चाहिए, जिसके चलते मैंने एक एप्लीकेशन तैयार की। इस एप्लीकेशन में मैंने ये सारा डाटा लिखा और लिखकर मैंने ये ऑनरेबल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड को ये मैंने एक एप्लीकेशन भेजी है, जिसमें मैंने उनसे एक अनुमति, न्यायालय से अनुमति मांगी है कि वो हमें भारत की तरफ से चाइना के खिलाफ एक केस दायर करने का मौका दे, और अगर माननीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड ये उचित समझता है, ठीक समझता है कि मेरी जो ये मैंने जो ये जो पत्र लिखा है, ये इस पत्र का पत्र अगर उचित है, ठीक है, तो हम वो हमें अलाउ करें। अगर माननीय न्यायालय हमें अलाउ करते हैं तो हम भारत सरकार के माध्यम से चाइना के विरुद्ध एक कंप्लेंट माननीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को दायर करेंगे, जिसके चलते ये एप्लीकेशन जो है ये मैंने उनको भेज चुका हूँ।